दुखी लोगों की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या बताऊं, फसल तो अच्छी हुई है लेकिन मुझे खुशी पूरी नहीं मिली। अरे भाई, फसल जितनी चाहिए उससे भी ज्यादा हुई है, तकलीफ क्या है? उसने कहा, बात यह है कि फसल तो हर बार से बहुत ज्यादा हुई है, आशा से ज्यादा हुई है, लेकिन जानवरों को खाने को मैं क्या डालूंगा? इस बात को लेके परेशान। मतलब अगर कुछ फसल कमजोर होती, थोड़ा खराब होती, तो जानवरों के डालने के काम, लेकिन सारी की सारी फसल अच्छी हुई है, माने सब कुछ अच्छा हो जाए तो भी अगर कोई दुखी रहना चाहता है तो कोई उपाय नहीं है कि उसे सुखी कर दिया जाए। और अगर सुख खोजने जाओ तो सुख कहां पर है? कहां पर है? अपने भीतर है सुख। सुखी जो मैं खोजन चला, सुखी ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसे सुखी ना कोई। इस पर विचार करो कभी, आपसे ज्यादा सुखी कोई है? आप आराम से बैठ के बात कर पा रहे हैं, हंस पा रहे हैं, घर में सब अनुकूलता है, अनुकूलता नहीं है तो भी मिलनसारता है, आत्मीयता है। यानी आत्मा का स्वभाव है सुख। आप कहीं भी रह करके सुखी रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, सुविधाओं में ही सुखी होते हों ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ भी सुविधा नहीं हो तो भी मुनिराज सुखी रहते हैं कि नहीं रहते, आनंदित रहते हैं कि नहीं रहते, सहज रहते कि नहीं रहते? क्योंकि सुविधाओं में सुख नहीं है, आत्म स्वभाव में सुख है। और उस परिपूर्ण शुद्ध आत्म स्वभाव को पाने वाले कौन हैं? सिद्ध भगवान।